अर प्रॉब्लम्स यूजिंग पेपर एंड पेंसिल्स दे आर फोर बेसिक ऑपरेशन पर फॉर्म बाई अ कंप्यूटर दैट इज इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज सीम ये यानी कि जिस तरह इंसान एक काम करते हैं इसी तरह कंप्यूटर भी एक काम करते हैं इसका बेसिक क्या है ये मुख्तलफ़ सोर्स से इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर जो है डाटा लेते हैं इसको प्रोसेस करते हैं और प्रोसेसिंग के बाद आगे दो काम करते हैं एक तो उसको स्टोर कर लेते हैं फॉर लेटर यूज़ और एक दूसरा उसको जो है डिस्प्ले कर देते हैं मसलन सॉफ्ट कॉपी की सूरत में या हार्ड कॉपी की सूरत में सॉफ्ट कापी जो है वो एल आपके मोनीटर या एल पे डिस्प्ले होती है और हार्ड कापी की सूरत में वो प्रिंटर पर डिसप्ले हो जाती है तो इसमें यह दिखाया गया कि ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर का मुजना किया गया है ह्यूमन बीइंग में क्या है इनपुट क्या करता है यू रीड अ क्वेश्चन इंसान एक बैठा टेबल के ऊपर बैठा हुआ है वो क्वेश्चन रीड करता है थ्री मल्टीप्लाइड बाई सिक्स और कंप्यूटर का दूसरी तरफ कंपैरिजन किया गया है कंप्यूटर रिसीव्स नंबर्स फ्रॉम द कीबोर्ड्स बोर्ड्स फ़र्ज़ किया है कि थ्री मल्टीप्लाइड बाई सिक्स कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड के थ्रू अपने डाटा इंटर किया है. तो नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करते हैं पहले स्टेप में तो उसने इनपुट किया था नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करते हैं प्रोसेसिंग करता है प्रोसेसिंग में उसने वो थिंक करता है यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट आप सोचते हैं थ्री मल्टीप्लाइड बाय सिक्स का आंसर क्या है और इसको सॉल्व कर देते हैं इसी तरह कंप्यूटर वर्क्स ऑन द नंबर्स और ये जो प्रोसीजर है इसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं नेक्स्ट स्टेप्स में जो आउटपुट है 6, जो राइट आंसर ऑन अ पेपर आप फर्ज किया थ्री मल्टीप्लाइड बाई सिक्स एटीन जो आंसर है आप यानी कि पेपर के ऊपर पेंसिल के जरिए लिख देते हैं इसी तरह कंप्यूटर शोज़ रिजल्ट ऑन द मोनीटर और थ्री मल्टीप्लाइड बाई सिक्स जो है कंप्यूटर ने सॉल्व कर को कि आपको मोनीटर की स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर देता है कि तीन जरबे चार का जवाब क्या है और इसके बाद स्टोरेज क्या है तो यानी कि डाटे को स्टोर कर लेते हैं मसलन यू कैन सेव योर वर्क इन अ बैग टू यूज़ लेटर जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं उसको आप बैग में स्टोर कर लेते हैं ताकि फर्दर आगे नेक्स्ट जो है यूज़ किया जा सके इसी तरह कंप्यूटर जो है वो अपने डाटा स्टोर कर लेते हैं मसलन फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क सी डी डी वी डी और यू एस पे डाटा जो है अपना स्टोर कर लेता है नंबर एक है इनपुट ऑपरेशन इनपुट ऑपरेशन में कंप्यूटर क्या करता है जिस तरह मैंने ये बताया है कि रफ़ डाटा जो है वो आप कीबोर्ड है माउस है माइक्रोफोन है मुख्तलिफ इनपुट डिवाइसिस के जरिए या स्कैनर है उसके ज़रिए कंप्यूटर के आप अंदर डाटा डालते हैं उसको हम इस प्रोसीजर को हम इनपुट कहते हैं और जो वो उस रफ डाटा को लेकर उसको प्रोसेसिंग करता है और उसकी किसी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं आगे जो है वो स्क्रीन पर एल सी डी पे या किसी भी और चीज़ पर सॉफ्ट कापी की सूरत में हमें दिखाता है तो उसको हम ए, आउटपुट ऑपरेशन कहते हैं और नेक्स्ट जो है जो उसको फर्दर यूज करने के लिए स्टोर कर लेता है अपनी हार्ड डिस्क पे सेव कर लेता है उसको हम स्टोरेज करते कहते हैं तो इनपुट ऑपरेशन में देखते हैं कंप्यूटर क्या करता है इन दिस ऑपरेशन द कंप्यूटर असेप्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्राम इनपुट डिवाइस सेम वही इस प्रोसीजर में कंप्यूटर जो है इनपुट डिवाइस के जरिए जो है डाटा और इंस्ट्रक्शन रिसीव करते हैं द इनपुट डिवाइस इंक्लूड्स इंक्लूड कीबोर्ड माउस स्कैनर डिजिटल कैमरा माइक्रोफोन तो में इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इसमें वो बता रहा है माउस है कीबोर्ड है स्कैनर है डिजिटल कैमरा और माइक्रोफोन है प्रोसेसिंग में ये क्या फंक्शन अदा करता है द प्रोसेसिंग ऑपरेशन द ऑपरेशन इन विच ए कंप्यूटर परफॉर्म सम एक्शन ऑन द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन इज नाउन एज प्रोसेसिंग ऑपरेशन द प्रोसेसिंग इज डन बाय द सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट ये जो प्रोसेसिंग का सारा प्रोसीजर है वो किस कौन सा एक्विपमेंट या कौन सी डिवाइस परफॉर्म करती है उसको हम सेंट्रल सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स कहते हैं तो आउटपुट ऑपरेशंस में क्या है जो हमने डाटा इंटर किया होता है उसको प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है और उसको आउटपुट की सूरत में हमें डिस्प्ले कर देता है इस प्रोसीजर में क्या होता है ऑपरेशन में इन दिस ऑपरेशन द कंप्यूटर यूजेस आउटपुट डिवाइसेस

प्रिंटर वो हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करते हैं मोनीटर जो है सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करते हैं और म्यूज़िक फिल्में वगैरह आप सुन गेमें वगैरह देखने और सुनने के लिए आप जो है स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं तो स्टोरेज डिवाइसेस में आप देखते हैं ए, कि जो हार्ड डिस्क है डीवीडी राम सी डी राम यू एस बी इसके ज़रिए आप डाटा जो है स्टोरेज कर सकते हैं इन दिस ऑपरेशन द कंप्यूटर स्टोर्स द डाटा इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क सी डी 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 एंड फ्लैश डिवर। इस देखें आप इसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस के जरिए आप कर रहे हैं प्रोसेसिंग जो है प्रोसेसर इन प्रोसीजर कर रहे हैं और आउटपुट में आप देख रहे हैं कि एल और प्रिंटर पे आप सॉफ्ट कापी और हार्ड कापी में देख सकते हैं और हार्ड डिस्क सी डी फ्लापी डिस्क के ज़रिए आप जो है इसको स्टोर कर सकते हैं जितने भी आपकी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप टॉपिक हमारा डिफरेंट होगा आप देखें आप इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ